वार्निंग भाइयों और बहनों, सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग, पर ये दिखाना आवश्यक था क्योंकि लोगों की स्किन कलर के नाम पर आजकल बिजनेस चल रहा है और लोगों के इमोशन से खिलवाड़ करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी वार्न्ड, फ्रेंड्स एंजॉय एंड बी प्राउड ऑफ योर स्किन कलर। जय हिंद। हैशटैग मेड एक्टिविज्म, हैशटैग प्राउड ऑफ माई कलर। पहले तो मैं बहुत ही काली थी। पहले मेरी त्वचा एकदम काली कलूटी थी। मैं बहुत ही निराश थी, बहुत ही मायूस थी। मैं जिंदगी से पूरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास आ गया है इनो, 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 इनो। अब मेरी त्वचा बहुत ही सफ़ेद और धुली धुली सी हो गई है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी हो चुकी हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं एयरलाइंस में नौकरी करती हूँ। अब मैं एयर होस्टेस बन गई हूँ। अब मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ और अब मेरी शादी भी हो गई है और मेरे बहुत सारे बच्चे भी हो गए हैं। आखिर मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच इनो। आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ? क्या ये आपको गोरा बना सकता है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक बहुत ही वायरल खबर चल रही है और वो क्या है? वो ये है कि इसको और इसको मिलाओ और 5 मिनट में गोरे बन जाओ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? चलिए देखते हैं कि इनो और नींबू को मिलाकर जो मिश्रण तैयार होता है उसको अगर चेहरे पे इस्तेमाल किया जाए तो आप 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा गोरे हो सकते हो। आपकी चेहरा निखर सकता है, आप हीरोइन की तरह सुंदर लग सकते हो, आपका चेहरा चांद जैसा रोशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब आता कहाँ से है? ये सब इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? दोस्तों, ये सब शुरुआत होती है घरेलू नुस्खों से। लेकिन दोस्तों, ये घरेलू नुस्खों में ये इनो का भी इन्होंने समावेश कर दिया है और इस तरह की गिमिक और इस तरह की चटपटी चीजों को भी वो लेके आए हैं घरेलू नुस्खों में। तो चलिए, आज हम हमारे मेडिकल स्कैल्पल से इस खबर को डाइसेक्ट करेंगे। क्या ये काम करता है या ये काम नहीं करता? वेलकम टू थिंक ऑक्सीजन। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मेड मिथ्स के पहले एपिसोड में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए थिंक ऑक्सीजन चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेडिकल साइंस की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का मिथ एक ऐसी चीज है जो कम से कम भारत में सभी लोग उसके लिए पागल है और वो है चेहरे का गोरापन। लेकिन ये मिथ ऐसा कहता है कि इसको और इसको आप मिला लो तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगा। ये वीडियोस में कहा जाता है कि एक छोटा सैशेट इनो का लिया जाए, आधा नींबू का रस लिया जाए और बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं उसमें थोड़ा सा आप नारियल तेल डाल दो, कुछ कहते हैं उसमें थोड़ा सा शहद डाल दो। तो ये सब करने से उनका ये दावा है कि आपका चेहरा एकदम निखर जाएगा और 5 ही मिनट में आपको ऐसा गोरापन मिलेगा कि उस गोरेपन को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो क्या ये काम करता है? चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि इनो और नींबू इसके मिक्सचर से क्या सच में गोरा बना जा सकता है। पहले हम इनो को खोलेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने लेमन फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हो। ये देखिए, ये इनो है। ओके, तो इसको हम खोलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये कटोरी खाली कटोरी है। इसमें मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ, छोटा वाला, जैसे कि उन्होंने कहा है। ये मैंने खाली कर दिया इनो का पैकेट, राइट। अभी मैं ये आधा नींबू ले रही हूँ जैसे कि वीडियो में कहा गया है। ओके, इसको हम निचोड़ेंगे ये इनो में। झा गया, झा गया, झा गया, बहुत सारा झाग आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है। ओके, अब ये नींबू को हम साइड पे रख देंगे।
अब इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों वो सब कहते हैं कि ये नारियल का तेल डालो, हनी डालो, लेकिन ये सब सिर्फ फिलर्स है, ये डालने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक जो है वो कंपाउंड यही है। तो अभी ये तैयार हो गया है, इसको हम चमड़ी पे लगा के देखेंगे। दोस्तों मैं अपने चेहरे पे तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे डर है कि कुछ स्किन पे रिएक्शन ना हो जाए, तो इसको मैं हाथ की चमड़ी पे लगाऊंगी। अगर उस पर अच्छा मुझे इफ़ेक्ट मिला तो मैं चेहरे पे ज़रूर लगाऊंगी। ओके, तो इसको मैं ले रही हूँ और अपने हाथ पे रख रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हाथ बहुत ही काला है। अब इसको मैं रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ। ओके, जैसे कि कहा गया है वीडियो में, मुझे एकदम ठंडा और अच्छा लग रहा है। मुझे खास करके नींबू का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत फ्रेश लगता है वो स्मेल से। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ 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 के लगा रही हूँ और रगड़ रही हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है और इसके बाद मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा गोरा, सुंदर, आकर्षक बन जाएगा। ओके, तो हम 5 मिनट के बाद फिर से लौटते हैं देखने के लिए कि कुछ असर हो रहा है कि नहीं इसमें। ये रहा मेरा हाथ 5 मिनट के बाद। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, क्या आपको नज़र आ रहा है कि मेरा हाथ गोरा हुआ है? वो पहले भी जितना गंदा दिख रहा था अभी भी उतना ही गंदा दिख रहा है, और जैसी है वैसी के वैसी चमड़ी है। जैसे कि आप दूसरी चमड़ी देख सकते हो जहाँ पे मैंने नी लगाया था, ये मेरा दूसरा हाथ भी देख सकते हो। तो इसमें किसी भी तरह का कुछ भी फ़र्क नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये प्रयोग में देखा, ये बिल्कुल काम नहीं करता, और मैं वीडियो के दौरान, प्रयोग के दौरान आपको ये नहीं बता सकी, लेकिन मेरे ये हाथ में थोड़ी सी जलन हो रही है और थोड़ा सा रेड भी हो गया है, थोड़ा सा रेडनेस है। तो दोस्तों ये अगर आपकी चमड़ी सेंसिटिव है और अगर आपने गलती से भी इसका इस्तेमाल किया तो आपकी चमड़ी में सीवियर रिएक्शन आ सकता है, आपकी चमड़ी पूरी तरह से रेड हो सकती है और आपको रेड कलर के रैशेज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी चमड़ी ख़राब हो सकती है, शायद परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना। इस प्रयोग के पीछे क्या विज्ञान है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस इनो को कहा जाता है एक एंटासिड। एंटासिड मतलब दोस्तों ये है कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। दोस्तों क्या आपको पता है इनो के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? दोस्तों इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट 46.4% होता है, सोडियम कार्बोनेट 10% होता है, और दोस्तों सिट्रिक एसिड 43.6% होता है। तो इस सब का क्या मतलब होता है कि इस सब का मतलब ये है कि इसके अंदर सोडा बाइकार्ब यानी कि बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड मतलब लींबू का अंश इसमें मौजूद ऑलरेडी होता है, और ये एक पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर को आप मिक्स करते हो नींबू के जूस के साथ। तो नींबू का जूस में क्या कंटेंट्स होते हैं? नींबू का जूस होता है सिट्रिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का नेचुरल एसिड है। तो जब आप इनो और नींबू के जूस को मिक्स करते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारा झाग निकलता है। दोस्तों ये झाग को एफर्वेसेंस कहते हैं, और ये झाग निकलता है तो क्या बेसिकली हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है इसलिए आपको हवा के बुड़बुड़े दिखते हैं, यानी कि झाग दिखता है। तो जब दोस्तों आप उसमें नींबू का रस डालते हो तो झाग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट है वो है कार्बोनिक एसिड। दोस्तों ये एक बहुत ही वीक एसिड है, लेकिन ये आपके चमड़ी पे क्या असर करता है? दोस्तों ये जो कार्बोनिक एसिड जो तैयार होता है ये रिएक्शन से, ये आपके चमड़ी पे वासोडाइलेटेशन करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी चमड़ी का ब्लड सर्कुलेशन टेम्पररीली बढ़ा देता है। इसकी वजह से आपकी चमड़ी, चेहरे की चमड़ी थोड़ी सी रेडिश लगती है, आपको चेहरे पे थोड़ा सा फ्लशिंग या फिर रेडनेस दिखाई देता है, जिसे ये लोग मानते हैं कि आपकी स्किन ग्लो हो रही है। फिर आप सोचेंगे ये सिट्रिक एसिड, दोस्तों ये सिट्रिक एसिड का मतलब है नींबू का जूस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये नींबू के रस से क्या आपकी चमड़ी पे रिएक्शन होता है? दोस्तों ये नींबू का जो रस होता है वो एक एस्ट्रिंजेंट है। दोस्तों एस्ट्रिंजेंट इस तरह से काम करता है कि आपके चेहरे के जो सेल्स है, आपके चेहरे के जो पोर्स है, कि चमड़ी के जो कोश है या फिर जो छोटे छोटे कोशिकाएं है उसको वो सिकुड़ देता है, यानी कि श्रिंक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी चमड़ी उबड़ खाबड़ दिख रही हो या फिर आपको छोटे छोटे पिंपल्स या फिर आपके ओपन पोर्स हो, तो जब भी आप ये एस्ट्रिंजेंट लगाते हो
तो ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं, इसलिए आपको टेम्परेरीली ऐसा फील होता है कि आपकी चमड़ी बहुत ही शाइन कर रही है, आपकी चमड़ी बहुत ही स्मूथ लग रही है। दूसरा एक पार्ट ये होता है कि जब आप नींबू का जूस अपने चेहरे पे लगाते हो तब आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, मतलब थोड़ा हल्की हल्की सी जलन होती है, तो आपको एक फ्रेशनेस का फीलिंग आ जाता है, आपको लगता है कि चलो कुछ चमड़ी में हो रहा है और मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है। और दोस्तों सिट्रस स्मेल, जो नींबू का स्मेल है, वो भी बहुत ही जाना पहचाना है एक फ्रेशनेस को लाने के लिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको लगता है कि आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा निखार आ गया है। तो दोस्तों ये सब आप, ये जो प्रयोग इन्होंने बताया है तो एक्चुअली क्या है? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये प्रयोग करने से क्या हुआ है आपको पता है? सिर्फ एक साबुन बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक साबुन बन गया है। अगर आपके घर में साबुन नहीं है तो इस प्रयोग को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साबुन ठीक इसी तरह से काम करता है। दोस्तों आपको पता है कि चमड़ी का कलर किससे होता है? दोस्तों चमड़ी का कलर एक पिगमेंट से होता है जिसको कहा जाता है मेलानिन पिगमेंट। दोस्तों ये जो पिगमेंट है ये आपको जन्म से ही आपकी चमड़ी में मिलता है और आपका जो चमड़ी का कलर है वो अनुवांशिक रूप से आपको मिलता है। इसको आप अगर चाहे तो एक आध शेड आप लाइट कर सकते हो ब्लीचिंग करके, या फिर आप कुछ सन प्रोटेक्शन यूज़ करके आप उसको एक शेड शायद लाइट कर सकते हो, लेकिन आप उसको कभी भी, अगर आप काले हो या अगर आप सांवले हो तो आप पूरी तरह से गोरे नहीं बन सकते। दोस्तों आप जब भी ब्लीचिंग भी इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, तब आपको पता है क्या होता है? उस वक्त सिर्फ आपके चेहरे पर जो बारीक बारीक बाल होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं जो आपको नॉर्मली नज़र नहीं आते, वो बाल ब्लीच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शाइन करने लगते हैं और आपको लगता है कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है, आपका चेहरा निखर रहा है। जब वो बाल फिर से अपने नेचुरल स्टेट में, ब्लैक स्टेट में आ जाते हैं या फिर सांवले स्टेट में आ जाते हैं, तब आपको लगता है फिर से मेरी त्वचा काली पड़ गई है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से आपके चमड़ी का कलर आता है। अगर इसके साथ आप कुछ मेस करोगे या छेड़खानी करोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस परिणाम हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जो आपको सबको पता होगा, और वो है माइकल जैक्सन का। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन को एक तरह का ऑब्सेशन था कि उनको गोरी चमड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चमड़ी के ट्रीटमेंट्स कराए और इसकी वजह से उनको सीवियर बहुत ही बुरी तरह का चमड़ी का कोड हो गया था। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन को कोड हो गया था, इसीलिए वो पूरी तरह से सफेद हो गए थे। दोस्तों कोड में ऐसा होता है कि म्यूटेशन की वजह से या कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से मेलानिन का पिगमेंट जो होता है चमड़ी में, वो प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। दोस्तों मेलानिन आपकी चमड़ी को बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है, आपकी चमड़ी को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो मेरी यही आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने चमड़ी का कलर चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। तो दोस्तों ये जो गोरे बनने की होड़ है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाने वाली वो है क्लियोपेट्रा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा वो गोरी नहीं थी, वो सांवली थी, और वो अब तक दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानी जाती है। इसमें और भी समावेश होता है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड के जो टॉप मॉडल्स है, जैसे कि नायोमी कैंपबेल, टायरा बैंक्स, और हमारी इंडिया की सबसे फेमस पद्मलक्ष्मी। पद्मलक्ष्मी को कौन नहीं जानता, अगर आप इनका नाम भी गूगल कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी कितनी सुंदर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए, आपको पता चल ही गया होगा कि सुंदरता के लिए एक एटीट्यूड की ज़रूरत होती है और एक आकर्षक दिमाग की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर आपके पास एक आकर्षक दिमाग है और एक आकर्षक एटीट्यूड है तो आपको इस तरह के गिमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेड मिथ्स के ये एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपने किसी तरह के हेल्थ के रूमर्स सोशल मीडिया पे देखे हो और अगर आपको जानना हो कि ये हेल्थ के रूमर्स सही है या गलत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं उनको मेड मिथ्स में शामिल करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस गोले को क्लिक कीजिए। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट।